नवरात्रि शुरू हो रही है। मीठा एक ऐसी चीज है कि फास्ट में पूरे दिन की एनर्जी देता है और भूख के भगाए रखता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत बहुत टेस्टी हेल्दी मिनटों में तैयार हो जाने वाली ऐसी दो रेसिपी। जब आप इन पेड़े लड्डू के खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। न दूध, न मावा, न मलाई, न कंडेक्स मिल, न कोई मिल्क पाउडर, न कोई चाशनी के है टेंशन, और भी बिना घी के साथ ये पेड़े के आप एक बार बनाइए, पूरे महीने इंजॉय कीजिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कुरेली में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बरात के सबसे स्वादिष्ट पेड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं एक कप मूँगफली। मूँगफली बहुत हेल्दी होती है, इसके पेड़े बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर कच्ची एक कप मूँगफली के हम पेन चाहे कढ़ाई में डाल देंगे। आप मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। जिससे हल्का ड्राई रोस्ट हो जाए, चटकने लग जाए, सारे मॉइस्चर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप कोई कॉटन के कपड़ा पर आप सारे मूंगफली के निकाल लीजिएगा और थोड़ा सा इसे ठंडा होने दीजिएगा। जैसे ही ठंडा हो जाए आप इसकी छिलका हटा लीजिएगा। जब इस तरह से आप छिलका हटाएंगे बहुत आसानी से मूंगफली से छिलका निकल जाएंगे। और ये देखिए बहुत आसानी से मूंगफली का छिलका निकल गई है। अब यहाँ पर आप एक छन्नी लीजिए और छन्नी में मूंगफली का डाल के इस तरह से आप छान लीजिएगा। बहुत आसानी से छिलका अलग हो जाती है, मूंगफली अलग निकल जाती है। अब सारे मूंगफली के हम छान लिए हैं। अब तो इतनी आसान है, मार्केट में बनी बनाई रोस्टेड मूंगफली मिलती है, आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब लीजिए ग्राइंडिंग जार, जब भून कर मूंगफली रखे है ना, सारे इसी स्टेज पर डाल दीजिए। सारे ग्राइंडिंग जार में मूंगफली के डाल दिए है। मिठाई बनाना बहुत आसान है, कोई भी इसे बना सकते हैं। जब मिठाई के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबा काम है, मिठाई खराब होने के टेंशन होती है, तो इसमें ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। साथ में फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। आप पसंद करें तभी डालें, नहीं तो स्किप सकते हैं। अब मूंगफली के फार्न पाउडर पीस के तैयार कर लेंगे। मतलब ऐसा आपको तैयार करना है, थोड़ा बंधा बंधा, बहुत ज्यादा ना चलाए, नहीं तो मूंगफली तेल छोड़ देगी, क्योंकि मूंगफली में अपना तेल होता है। आप इन्हें पास पर रोक रोक के चलाइएगा और थोड़ा बंधा बंधा तैयार कर लीजिएगा। और ये लीजिए, हम मूंगफली के बढ़िया से पीस लिए है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी के तैयार करना है। आप देख सकते है थोड़ा सा बंधा बंधा दिख रहा है, बिल्कुल बिखर नहीं रहा है, हमें ऐसी ही चाहिए और ना इसमें तेल रिलीज हुआ है। अब एक बोल सारे मूंगफली के पाउडर के निकाल लेंगे। पेड़े के सुपर टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप के करीब काजू। सिर्फ काजू लिए हैं, काजू के भी हल्का हम बाइटिंग फॉर्म में पीस लिए हैं। ऐसा पीसे हैं, बंधा बंधा तैयार हो गया है। जब आप काजू के पाउडर डालेंगे तो इसका टेस्ट इतना लाजवाब आएगा जैसे कि आप काजू कतली खाते हैं ना, सेम वैसा ही बनेगा, जिसमें बर्फी के भी स्वाद आएगा, लड्डू और काजू कतली के भी स्वाद आएगा, सारे स्वाद आएंगे इसमें। जबरदस्त हेल्दी एनर्जी देने वाली काजू कतली दिन भर के फास्ट के लिए तैयार हो जाएगी। मिठास के लिए अब हम डाल रही हूँ चीनी के पाउडर। तो यहाँ हम आधा कप हम चीनी के पाउडर लिए हैं। आप मिक्सी जार में चीनी के डाल के फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। यदि आपके पास भूरा के सुविधा है तो आप भूरा भी यहाँ पर यूज कर सकती हैं। यहाँ अपने स्वाद के अनुसार चीनी के पाउडर कम बेस कर सकते हैं। पेड़ा बनाना बहुत आसान है, ना कोई चाशनी बनाने के पड़ी या ना मेहनत हुई, फटाफट मिनटों में हो जाएगी तैयार। बस अब सभी चीजों को मिक्स कर लिए हैं, ये देखिए अच्छे तरीके से सभी को हम मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं पेड़े बनाने के लिए घी और दूध की जरूरत नहीं है, क्योंकि काजू और मूंगफली में दोनों में अपना ऑयल होता है, हमें जरूरत भी नहीं है एक बूंद घी के। अब पेड़े बनाना बहुत आसान है। आप लीजिए एक छोटे साइज के बॉल, नींबू से छोटे साइज के लीजिएगा और इस तरह से आप बाइंड कीजिए। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं, पेड़े इसकी बहुत ही सुंदर लगेंगे। अब हथेली के बीच में रखिए, अब इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आप चिकना कर लीजिए। चिकना करके आप प्रेस करके दबा दीजिएगा। बन गया है एक पेड़े, ये देखिए कितनी सुंदर देखने में लग रही है। इसी तरह से मिठाई आप बनाएंगे तो पूरे एक महीने खराब नहीं होगा। आप चाहे तो इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर घुमा दे, देखने में अच्छा लगेगा। अब इसी तरह से सारे तैयार करेंगे। अगर आप काजू लाइक नहीं करते हैं तो बिना काजू पाउडर के सिर्फ आप मूंगफली से पेड़ा बना सकते हैं, नहीं तो आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, नहीं तो बादाम भी आप डालकर बना सकते हैं। लेकिन इसी तरह से हम सजेस्ट करेंगे कि आप बनाए पेड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हम इसमें घी के यूज नहीं किए हैं। आपके बिखर रहा है, बिखरा सा लग रहे हैं तो बाइटिंग देने के लिए इसमें एक छोटी चम्मच घी आप डालकर बैलेंस इसकी सही कर सकते हैं। अब इसी तरह से सारे हम पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं।
और ये लीजिए तैयार है झटपट बन जाने वाली बहुत बहुत टेस्टी हेल्दी बरत की पेरे। लग रहा है ना एकदम टाइम टीम सुंदर। मैंने थोड़ा सा हम येलो फूड कलर से सजा दिए है, आप अपने तरीके से सजा सकते हैं। एक बार बनाइए एयर टाइट बॉक्स में भर के आप रख लीजिए, महीनों तक एंजॉय कीजिए। बरत के लिए बहुत ही स्पेशल है, तुरंत आपको एनर्जी देगी और साथ के साथ फुर्ती बना रहेगा। ये पेरे के हम सिर्फ दो चीजों से बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी हेल्दी और स्वादिष्ट बनाकर तैयार किए हैं। कम से कम खर्च में इतनी डिलीशियस मिठाई बने हैं, आप एक बार जरूर से जरूर बनाकर देखिएगा, कोई आपको परेशानी बनाने में मिठाई नहीं आएगी। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं पेरे, मुंह में जाते घुल जाने वाले तैयार हुई है। ना इसमें चाशनी बनाने की टेंशन हुई है, ना मावा ना मलाई की जरूरत पड़ी है, मिनटों में तैयार हो गई है। आप पूरे इन्हें एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप इस तरह से मिठाई के डब्बे में रख दीजिए, चाहे एयरटप जार में भर के रख दीजिए। अब चलिए बनाते हैं दूसरी रेसिपी। प्रोटीन से भरपूर ढेर एनर्जी देने वाली बहुत बहुत टेस्टी हेल्दी साबूदाने मखाने के लड्डू। ये स्पेशल साबूदाने के लड्डू पहले से ही बनाकर रख लीजिए, पूरे 9 दिन एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंह में घुल जाने जैसे साबूदाने मखाने के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप साबूदाने। इस तरह के मार्केट में मिलते हैं ना, हम वही लिए हैं। इसको भिगोना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लेंगे। आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, मिक्सी जार में हम डालेंगे 1 कप साबूदाने। इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। और भी प्रोटीन एनर्जी देने के लिए डाल रही हूँ 1 कप मखाना। तो यहाँ पर मखाना ले लीजिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मखाना डाल देंगे तो और भी ज़्यादा लड्डू के टेस्ट बढ़ जाएगा। ग्राइंडिंग जार के ऊपर ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से इन्हें पीस लेंगे। और ये लीजिए हम बढ़िया से हम साबूदाने मखाने के हम पीस लिए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम फाइन पीसे हैं, थोड़ा आपको मोटा दिख रहा है तो छन्नी से आप छान लीजिएगा। ये हम साबूदाने मखाने के पाउडर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए गैस के तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर आप पैन चाहे कढ़ाई चढ़ा दीजिए। अब कढ़ाई में हम डाल देंगे 1/4 के करीब घी। तो बरत में आप जो घी तेल खाते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। घी से लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। 1/4 के करीब 4 बड़ी चम्मच घी है। घी बढ़िया से मेल्ट हो गया है, फ्लेम के लो टू मीडियम कर दीजिए और साबूदाने मखाने के पाउडर डाल देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। बहुत ज्यादा हमें गोल्डन भी नहीं करना है, बस हल्का सा साबूदाने के कच्चापन निकल जाए, साबूदाने के पाउडर बढ़िया से फूला फूला हो जाएगा। जैसे ही भून जाएगा अपने आप इसमें से घी रिलीज हो जाएगा। इसी स्टेज पर हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ काजू। काजू के इस तरह से बारीक आप कट करके डालेंगे तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे। अब साथ में डालेंगे बारीक कट किया हुआ बादाम। अब इसमें डालेंगे हम किशमिश। अब साथ में डालेंगे लड्डू को बहुत बढ़िया स्वादिष्ट देने के लिए 1/2 छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। ड्राई फ्रूट सारी अप्लाई करते हैं तभी डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आप अपने अनुसार से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। इसकी गर्माहट से ड्राई फ्रूट हम डाले हैं ना अच्छे से भून जाएंगे और सारे हम यहाँ पर मिक्स निकाल लेंगे। साबूदाने के मिक्स के सारे निकाल लिए हैं। अब गर्मा गर्म में ही अब डालेंगे हम चीनी के पाउडर। आप मिक्सी में फाइन पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो जिस कटोरी से हम 1 कटोरी साबूदाना लिए हैं ना उसी कटोरी से 1/2 कटोरी चीनी के पाउडर लिए हैं। तो मीठा आप अपनी कम बेस कर सकते हैं। गर्मा गर्म में ही चीनी के पाउडर डाल देंगे। अच्छे से हम सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। ये लड्डू बहुत आसानी से बंध जाएगी, आपको कोई भी चीज अलग से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। और ये देखिए मिक्स परफेक्ट तैयार हो गया है, आप आराम से छू सकते हैं, बिल्कुल बिखर नहीं रहा है। आपका हल्का बिखर रहा है तो 2 से 3 बड़ी चम्मच हल्का गुनगुना दूध आप ऐड कर दीजिए। अब आसानी से आप अपने लड्डू बांध सकते हैं। थोड़ा सा चाहे तो आप यहाँ पर आप घी भी डाल सकते हैं। अब लेंगे थोड़ा थोड़ा हम मिश्रण, अब इस तरह से लड्डू हम बांध लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन गई है। आप इन लड्डू के ऊपर बादाम लगा दीजिए, चाहे पिस्ता चाहे काजू चाहे तो कोई चीज से आप सजा सकते हैं। तो ये देखिए बन गया है ना हमारा साबूदाने मखाने के लड्डू, कितना बढ़िया दिखने में लग रहा है। तो अच्छे से आप साबूदाने के भून लेंगे तो इसमें टेक्सचर खुशबू और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे लड्डू भी हम तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए लग रहा है ना बढ़िया, मन कर रहा है कि इन्हें अभी खा लूं। जैसे जैसे ठंडा होगा अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है झटपट बन जाने वाली नवरात्रि स्पेशल साबूदाने मखाने के लड्डू। इस तरह से बनाकर आप आराम से 9 दिनों तक इंजॉय कर सकती है। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और 10 मिनट के अंदर में ही लड्डू बनकर तैयार हो जाती है। तो दोनों रेसिपी आपको दी हूँ नवरात्रि में, इस तरह से बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इस रेसिपी के हम एंड करते हैं। आज के पेड़े के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।